नमस्कार, दैनिक शिव टाइम में आप सबका स्वागत है। मैं रश्मि शर्मा, कैमरामैन शुभम भगत के साथ। दर्शकों, मौसम ने थोड़े तेवर तो बदले हैं, पर कहीं ना कहीं जम्मू वासियों को राहत मिली है। जिस तरह से लगातार टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी बढ़ रही थी, आम जनता का अजल जीवन ही अस्त व्यस्त हो चुका था। अब इस समय हम खड़े हैं जहाँ पर तवी ब्रिज के ऊपर। ये हम आपको बता रहे हैं सूर्यपुत्री तवी में कितना उफान आया हुआ है, और इस समय हम यहाँ पर बार बार आपको चेतावनी, जिस तरह से मेट्रोलॉजी मौसम विभाग की तरफ से चेतावनी आती आ रही थी बार बार, लगातार पहले ही यानी प्रेडिक्ट कर दिया गया था कि आने वाले दो तीन दिनों में फ्लड की यानी स्थिति बन सकती है, बाढ़ की स्थिति बन सकती है। पर इस समय जो हम ये आपको लाइव दृश्य बता रहे हैं, ये हैं तवी नदी के, तवी ब्रिज के, उसके देखिए किस तरह से जो पुल के जो हम बता रहे हैं, जो तवी नदी है, किस तरह से उफान, क्योंकि मोस्टली जहाँ पर देखा गया है कि यहाँ पर पत्थर ही पत्थर दिखते थे, और बरसात मानसून आते ही मौसम जो बरसात आते ही के तेवर जिस तरह से मौसम के बदलते हैं मानसून में, तो पानी का उफान जो उभर कर सामने आता, जो एक बड़ा यानी कि फ्लड की बात करें, यहाँ भाव इतना तेज़ होता, स्तर बढ़ता जाता है पानी का, और कहीं ना कहीं बाढ़ आने का भी खतरा रहता है। और बार बार हम इस समय अपनी जनता से ये निवेदन करते हैं कि जो भी लोग आसपास रहते हैं सतर्क रहें, और साथ ही जो हेल्पलाइन नंबर हमने कुछ देर पहले अपने चैनल के माध्यम से जो हेल्पलाइन नंबर इशू की हैं, जारी की हैं, वो अपने तक ज़रूर नंबर जो अपने पास रखें। इस समय हम यहाँ पुल के तारे लोग आ जा रहे हैं, पर यहाँ बारिश है, हम भी बारिश में खड़े होकर ये दृश्य बता रहे हैं और अवगत करवा रहे हैं अपनी जनता को बार बार। सामने माँ बावे वाली का मंदिर है, जय माता दी सबको, जो भी इस समय हमारे दैनिक शिव टाइम के व्यूवर देख रहे हैं। ये इस समय जो तस्वीरें हम बता रहे हैं, जो बिल्कुल तवी नदी के पास के इलाके हैं, पास के एरिया हैं, पानी वहाँ पर इस तरह की स्थिति है कि पानी इस समय उफान पर है। लोगों को सतर्कता बरतने की ज़रूरत है, और जो लोग परिवारों के समेत यानी किसी पिकनिक स्पॉट पर या किसी ऐसी जगह पर अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करने गए हैं, तो उनसे निवेदन है कि सुरक्षित होकर अपने घरों को वापस आ जाइए, ताकि ये जो अलर्ट जारी किया गया मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट की तरफ से, इसका असर कहीं यहाँ पर आपके परिवार पर ना पड़े। इस समय हम खड़े हैं, मूसलाधार बारिश हो रही है, और आप जानते हैं जब मूसलाधार कंटिन्यू बारिश चलती हो तो कितना नुकसान करती है मानसून के। हर साल जब मानसून आता है तो लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इस समय हम रोड पर भी आपको बता रहे हैं, लोग स्कूटीज पर, टू व्हीलर्स पर भी जा रहे आ रहे हैं, पर कहीं ना कहीं हम भी खड़े हैं। हम आपको बता रहे हैं इस समय बारिश हमारे ऊपर भी पड़ रही है, हमारे वीडियो जर्नलिस्ट वो भी, शुभम जी भी पूरे भीग चुके हैं और हम भी भीग चुके हैं, यानी बुरी हालत है। फिर भी हमने कहा हमारी जनता, क्योंकि हम बार बार अपनी जनता से ये कहते हैं आप घरों के अंदर रहिए, हम घरों के बाहर इसलिए आते हैं कि पल पल की खबरें, पल पल का जो भी हालात है, हमने जनता के समक्ष घर बैठे पहुँचा सकें। ज़रूरी काम हो तभी आप बाहर निकले, और खास करके ऐसे इलाकों में जहाँ पर हिली एरिया, और बादल देखिए किस तरह से ये बादल जो है, घनघोर बादल जो छाए हुए हैं, काले बादल जो छाए हुए हैं, यानी कि ये संदेश है कि आने वाले समय में ये बारिश काफ़ी भारी बारिश होगी, यानी काफ़ी उफान में बारिश आ सकती है, और बाढ़ की स्थिति भी बन सकती है। और लोगों से निवेदन करेंगे कि बार बार कहते हैं आपको, जिस तरह से अलर्ट जारी हो चुका है, हेल्पलाइन नंबर भी है, जो दूर दराज के इलाकों में लोग रहते हैं, जो ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं, या जो शहरों में भी जो तवी नदी के आसपास रहते हैं, दरियाओं के आसपास रहते हैं, अगर उनको कोई भी किसी तरह की समस्या, तो हमने हेल्पलाइन नंबर कुछ देर पहले जारी किए थे, जो एडमिनिस्ट्रेशन की ओर से उन्हें अपनी जनता तक लाए हैं। उन हेल्पलाइन नंबर को ज़रूर अपने पास लिख कर रख लीजिए, ताकि कहीं अगर परेशानी आती है, आप उन PCR के नंबर और हेल्पलाइन नंबर भी दें, ताकि आप उनकी मदद ले सकें। और जिस तरह से आप जानते हैं कल ईद उल अज़हा का त्यौहार है, यानी बकर ईद भी कहा जाता है, लोग खुशियाँ हैं लोगों के चेहरे पर, कहीं ना कहीं पर ध्यान ये भी रखिए कि कोविड को प्रोटोकॉल को फॉलो कीजिए, हेल्पलाइन यानी कि SOPs और गाइडलाइन को मत तोड़िए, बाज़ारों में रश करके मत जाइए, मनाइए त्यौहार पर सुरक्षा के साथ मनाइए, क्योंकि जान है तो जहान है, अगर जान होगी तो अगली आने वाली ईद कोरोना फ्री हम बड़ी खुशी से, या जो भी त्यौहार होगा, ईद होगी, राखी, रक्षाबंधन भी जिस तरह से आने वाला है, तो हमें अपने आप को बचाना, अपने परिवार को और अपने समाज को भी बचाना है, ये बहुत बड़ी बात है। और इस समय बताएंगे, चलिए जम्मू वालों को कम से कम थोड़ी राहत मिली, मौसम मूसलाधार, इस समय बारिश है, आप देख रहे हैं बारिश तेज़ होती जा रही है, और हम यहाँ पर अपनी जनता तक ये जो पूरा विजुअल इस समय ला रहे हैं। सामने देखिए बंद जो घर हैं, जो घरों के बाहर, हर बार यहाँ पर कई बार तबाही भी हुई है, जब भी हमने पहले भी काफ़ी बार दिखाया, जब मानसून आता है तो यहाँ के जो ये कहेंगे कि जो गुजरनगर का एरिया है, कई बार लोगों के घर भी बह चुके, कई बार लोगों को काफ़ी नुकसान का सामना भी करना पड़ा, उन्हें कई बार लोगों को
नुकसान का सामना भी करना पड़ा, लोगों के घर बह गए। जब भी मॉनसून आता है, जब भी इस तरह की बाढ़ आती है और काफ़ी लोगों का नुकसान होता है, घर बैठ जा बह जाते हैं। और ये हम इस समय आपको लाइव जो दृश्य बता रहे हैं, ये देखिए किस तरह से तभी सूर्यपुत्र तभी भी आज उफान पे है और पास ही भी घर हैं लोगों के। और जब भी इस तरह का माहौल होता लोग डर जाते हैं, सहम जाते हैं कि कोई पता नहीं कब पानी का भाव घरों की तरफ आए, घरों का नुकसान हो कहीं ना कहीं बहुत। क्योंकि आज के दौर में, इस महंगाई के दौर में लोग पाई पाई जोड़ कर अपने घर गृहस्थी बनाते हैं, अपना घर का सामान बनाते हैं। और देखिए ये मोस्टली जो एरिया हम दिखा रहे हैं सामने, वहाँ बावे वाली विराजमान है और साथ में ही ये पूरी लोकेलिटी जो गुजर नगर जो तवी नदी के आसपास है, खतरा इन जगहों पर ज़्यादा होता है। क्योंकि जब पानी का बहाव ज़्यादा होगा तो ज़मीन खिसकने का भी डर रहता है। क्योंकि ये घर जो बिल्कुल तवी के किनारे पे हैं, आप देख रहे हैं यहाँ के हम लाइव विजुअल आपको बता रहे हैं, तो ध्यान में रखिए, सुरक्षा का ध्यान रखिए, अपना सतर्क रहिए कि अगर कोई ऐसी कोई हम भगवान ना करे कभी ऐसी अनहोनी हो या कुछ इस तरह का आपको माहौल लोगे तो तुरंत आप हेल्पलाइन नंबर पर PCR पर कॉल करके मदद प्राप्त ले सकते हैं, यानी कि आप मदद ले सकते हैं, उनसे मदद की गुहार लगा सकते हैं। ये इस समय मोस्टली जो एरिया बता रहे हैं यहाँ पर मोस्टली आप देखते हैं पत्थर होते हैं। जब भी हम कवरेज कई बार करते हैं तो पत्थर दिखते हैं। आज देखिए किस तरह से आज सूर्यपुत्री तभी भी पूरे उफान पर है। दर्शकों ये था अभी तक का अपडेट, फिर से कहेंगे, बार बार कहेंगे कि जिस तरह से कल ईद उल अधा का त्यौहार है, सुरक्षित रहिए, खुशियों से ईद मनाइए, पर कोशिश कीजिए कोविड के प्रोटोकॉल को फॉलो करके, गाइडलाइंस को फॉलो करके ही अब त्यौहारों को मनाइए। क्योंकि हम चाहते हैं कि आने वाले समय में जिस तरह से कोविड ने लोगों की ज़िंदगी को अस्त व्यस्त कर दिया, लोगों के बिजनेस को ठप कर दिया, लोग बुखारी की कगार पर, ऐसा ना हो आने वाले समय में। क्योंकि सुरक्षा कहीं ना कहीं आपकी, अपने अपने परिवार की, समाज की सुरक्षा, हमने भी उसका दायित्व अपने कंधों पर उठाना। तो ये था अभी तक का अपडेट, आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और जुड़े रहिए ऐसे हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।